मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते, मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा, जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, जी अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं जी तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। ए, मैडम आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही हैं? बस यूं ही पूछ रही थी। सेठ जी मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी घबराइए नहीं। हाँ? वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना। हाँ? धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ? इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं। क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। सेठ जी बहुत हैं। वाह, अब चले पैसे लेने। हाँ, चलो चलिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। Yes, no doubt, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये ही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी, बैठिए जी। तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, तो मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। डॉक्टर साहब आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था, आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है?
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस वीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे दो दे दिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो दो के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप दो दे दीजिए। अच्छा चलिए दे देता हूँ। ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे दो देने वाले हैं ना? देता हूँ देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ? अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना। अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं, ये लो। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है लड़की, तूने मुझे धोखा दिया है, ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। ये, 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 ये।